गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी शैल रीड ए स्टोरी दैट्स नेम इज द आर्टिस्ट। आज हम लोग की कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है द आर्टिस्ट। एज यू नो दैट दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाई ए ग्रेट जापानीज राइटर शिगानोया। जैसा कि आपको पता है, यह कहानी एक महान जापानीज राइटर शिगानोया के द्वारा लिखी गई है। बाय दिस स्टोरी ही वांट्स टू टेल अस हाउ द टैलेंट ऑफ ए जापानीज बॉय इज क्रश्ड बाय हिज पेरेंट्स टीचर एंड द फ्रेंड ऑफ हिज फादर। इस कहानी के माध्यम से एच ई बेट्स साहब, इट मींस लेखक, हमें बताना चाहते हैं कि कैसे एक जापानी बॉय की प्रतिभा को उसके ही माता पिता, शिक्षक एवं पिता के दोस्त के द्वारा ही दबा दिया जाता है। तो मैं अब से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कौन ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे की प्रतिभा को देखकर खुश नहीं होंगे, क्यों उसके प्रतिभा को दबाना चाहेंगे? आप सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों वे लोग उसकी कला को, उसकी प्रतिभा को दबा दिए? चलिए अब कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आफ्टर ऑल व्हाई डू दे क्रॉस हिज टैलेंट, कि आखिर वे लोग क्यों उसकी प्रतिभा को दबा देते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ए जापानीज बॉय नेम्ड सिबे। यह कहानी एक जापानी बॉय जिसका नाम सिबेई है के बारे में है। ही हैज ए पिकुलर हॉबी टू कलेक्ट गॉड्स एंड पॉलिश देम। उसको तुम्बी एकत्रित करने और उसको पॉलिश करने का विचित्र शौक है, उसको बहुत शौक है। ही इज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। वह 12 वर्ष का है लेकिन अभी भी वह प्राइमरी स्कूल में ही है। ही इज सो मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्क दैट ही डज नॉट प्ले विद अदर चिल्ड्रेन। उसको इस काम में इतना मग्न है, इतना मन लगता है कि अन्य लड़कों के साथ वो खेलता भी नहीं है। वन डे ही वॉज स्ट्रॉलिंग एलोंग द बीच। एक बार वह बीच के किनारे किनारे टहल रहा था। ऑल ऑफ ए सडन ही सा ए बर्ड। अचानक उसने एक गंजे को देखा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल न हो, वैसे आदमी को देखा। और देखते ही वो कहा, व्हाट ए सिमेट्रिकल गॉड। जैसे ही देखा तो उसके मुख से निकला आवाज, ये कितना बढ़िया ये कद्दू है। बट सुन That man disappeared, लेकिन शीघ्र ही वह आदमी गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, he realizes his mistake, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि उसको तुम्बी में कितना शौक था कि किसी गंजा को देखा तो कहा कि कितना बढ़िया तुम्बी। अभी आपने सुना कि सिबेई उस गंजे को देखकर कैसा फील किया।
अब आगे देखिए उसके साथ क्या होता है। एन ओल्ड वुमन इज सेलिंग गॉड्स, एक बूढ़ी औरत गॉड्स को बेच रही होती है। सीबेई गोज देयर, सीबेई वहां पे जाता है। वन ऑफ द गार्ड्स इज इवन एंड सिमेट्रिकल, उसमें से एक गार्ड बहुत ही सुघर एवं अच्छे आकार का होता है। हिज हार्ट बिगिंस टू बीट फास्टर टू सी द गार्ड, उस तुम्बी को देखकर उसके हृदय की गति बढ़ जाती है। ही वांट्स टू बाय इट, वह उसको खरीदना चाहता है। ही आस्क्स इट्स प्राइस, वह इसका मूल्य पूछता है। द ओल्ड वुमन सेज, बूढ़ी औरत कहती है, ओ लैड आई विल गिव यू इट फॉर 10 सेन, मैं तुम्हें तो 10 सेन में ही दे दूंगी। सीबेई बाइज दैट गॉड, सीबेई उस गॉड को खरीदता है। द गॉड इज सो ब्यूटीफुल दैट ही गोज टू स्कूल विद इट, तुम भी इतना अच्छा होता है कि उसको लेकर ही वह स्कूल जाता है। एंड पॉलिशेस इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और क्लास टाइम में ही उस तुम्बी पर अपने डेस्क के नीचे पॉलिश करता है। द टीचर कैचेज हिम रेड हैंडेड, शिक्षक उसको ऐसे काम करते वक्त ही पकड़ लेते हैं। एंड रिव्यूक्स हिम फॉर सच ओमनिस वर्क, और ऐसे स्त्रियोचित कार्य करने के लिए उसको बहुत डांटते हैं। When the class is over, जब क्लास खत्म होता है, he goes to his home, जब क्लास खत्म होता है तब वह सीबेई के घर भी जाते हैं। His father is not at home, घर पे सीबेई के पिता नहीं होते हैं। In his absence, उनकी अनुपस्थिति में, he makes complain to his mother, उनकी अनुपस्थिति में वे उसकी माँ से शिकायत करते हैं। When his father comes and hears the whole story, और जब उसके पिता आते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं, he grabs his collar एंड गिव्स हिम द साउंड बीटिंग, वे उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं और जबरदस्त पिटाई करते हैं। बट बेंजी डजंट स्पीक एनीथिंग, लेकिन बेंजी कुछ भी नहीं बोलता है। आफ्टर दैट ही टेक्स हिज हैमर एंड स्मैशेस ऑल हिज गॉड टू पीसेस, और उसके बाद वो हथौड़ा उठाते हैं और सीबेई के जितने भी गॉड्स होते हैं उस सबको चकनाचूर कर देते हैं। नेक्स्ट डे अगले दिन द टीचर गिव्स द कॉन्फिस्केटेड गॉड टू ए पोर्टर, अगले दिन उस सीबेई से लिया हुआ जो गॉड था उसको एक द्वारपालक को दे देते हैं। When the porter is in hardship, और जब पोर्टर को पैसे की कमी होती है, he sells it for 50 yen to a curio dealer, जब उसे पैसे की कमी होती है तो वह 50 yen में एक curio dealer से बेचता है। And the curio dealer sells the god for 600 yen, और क्यूरियो डीलर उस तुम्बी को 600 yen में बेचता है। Nobody knew what happened to the god, किसी को पता नहीं चला कि उस तुम्बी को क्या हुआ। Neither सीबेई नर द टीचर, न सीबेई को ही पता चला और न ही उस शिक्षक को पता चला। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सीबेई 10 सेन की तुम्बी को
अभी जिसपे कलाकारी कर ही रहा था उसको 600 येन लायक बना दिया। तो क्या उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होता? क्या वह खाए बगैर मरता? आखिर क्यों शिक्षक, माता पिता और एक बार पिता के दोस्त भी आए थे, तो ये लोग सब लोग मिलकर उसकी कला को क्यों दबा दिए? दे क्रॉस हिज आइडिया बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिज टैलेंट। वे लोग उसकी कला को दबा दिए क्योंकि उसकी जो प्रतिभा थी उसके महत्व को नहीं जानते थे। वे लोग जानबूझकर ऐसा नहीं किए कि कौन माता पिता नहीं चाहते कि मेरा पुत्र पुत्री आगे बढ़े। यदि सीबीआई के पिता को इस बात का पता होता तो ऐसा नहीं करते। यानी ये सभी काम हुआ है अनजाने में। तो इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई भी टैलेंट किसी भी बच्चा में है तो उसको पनपने देना चाहिए। अब कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसका आंसर कीजिए।